हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सभी कलीग्स वगैरह दिखाए जाते हैं जो एक्टिविटीज वगैरह करने के लिए आए होते हैं। तभी शामू जो टैंक के आने का वेट कर रही होती है, जैसे टैंक आती है तो शामू दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और शामू टैंक से कहती है कि तुम लास्ट नाइट मिस्टर शिन के साथ थी ना, तो वो कहने लगती है कि हाँ। शामू कहती है कि तुम तो बहुत फास्ट निकली, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें भी तो फास्ट निकलना चाहिए। इस बात पर शामू उसे बताने लगती है कि उसने कल मुझे अपना लव कन्फेस किया था, तो कहती है कि अच्छा आगे क्या हुआ। जिस पर वो बताने लगती है कि मैं हाँ करने वाली थी पर उसने मुझे रोक दिया, और कहने लगता है कि मुझे इसका आंसर भी नहीं चाहिए, बाद में दे देना। तो टैंक उसे कहती है कि हाँ ठीक है ना, आंस दे देना। अब दोनों बातें करने के बाद बाकी सबके पास जब जाते हैं तो शामू से शन पूछे लगता है कि टैंक ने मेरे बारे में क्या बात की। अब इस बात पर तो शामू कह देती है कि वो तो तुम्हारी आंखों को देख कर कह रही थी कि आज काफी स्वेल लग रही है। अब सबको मैगी बताती है कि आप लोगों ने कार्ड्स को ढूंढना है, जो सबसे ज्यादा कार्ड लेकर आएगा वही इस गेम का विनर होगा। अब ये सुनने के बाद तो सभी खुशी से भागने लगते हैं अपना काम करने के लिए अपनी अपनी टीम को लेकर। और शैन की भी टीम थी तो वो दोनों भी जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी टीम दिखाई जाती है जिनको एक एक कार्ड मिल चुका था, वो तो सभी कार्ड को पकड़ने की ट्राई कर रहे होते हैं। और हमें दूसरी तरफ लिंडी कहा जाता है, जिसे रिपोर्टर्स पूछे होते हैं कि आपका तो वेयरहाउस जल चुका है, तो आप कौन सा हानफू का ड्रेस पहनोगे। जिस पर लिन उनका कोई भी आंसर नहीं देता बल्कि कार में बैठ जाता है, क्योंकि वो वेयरहाउस किसी और ने नहीं बल्कि लिन ने ही आग लगवाई थी। यहाँ पर शामू को भी इस न्यूज के बारे में जब पता लगता है तो उसको भी लिन की फिक्र होने लगती है। ये देखकर शैन को जेलस तो फील हो रहा होता है, पर उसे लव का एक स्टेप याद आ जाता है कि आपने कभी भी किसी से जेलस नहीं होना, इसलिए वो उसे कह देते हैं कि अगर तुम उससे बात करना चाहते तो कर लो। शामू भी उसे मैसेज करने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। शैन भी उसका मोबाइल देखने की ट्राई कर रहा होता है कि उसे कुछ तो नजर आ जाए, और साथ ही साथ जेलस भी हो रहा होता है। तभी शामू को एक कार्ड नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि मैं इसे लेने के लिए जाती हूँ, पर शामू कहता है कि मैं ले आता हूँ, पर वो कहती है कि नहीं मैं ले आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से अपना मोबाइल देकर चली जाती है। शामू के वहाँ से जाने के बाद उसके मोबाइल पर कॉल आ रही होती है, देखकर शैन उसे बताता है कि तुम्हें कॉल आ रही है, जिस पर कहती है कि मॉम डैड की कॉल होगी तुम अटेंड कर लो। पर शैन उसे ये नहीं बताता कि उसे लिन की कॉल आ रही थी, इसलिए वो खुद ही लिन की कॉल अटेंड कर लेता है। लिन उसे पूछा होता है कि तुम कैसी हो, जिस पर शैन उसको काफी गुस्से में आंस देता है, उसको अच्छे से एटीट्यूड भी दिखा रहा होता है। और शामू जैसे कार लेकर वापस आने लगती है तो उसका पाँव फिसल जाता है, जिसकी वजह से शैन और शामू दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। शामू को शैन बता भी देता है कि तुम्हें लिन की कॉल आई थी, तो वो कहती है कि मुझे बताना चाहिए था कि लिन की कॉल आ रही है। तो शैन थोड़ी सी उससे बदतमीजी कर देता है, जिसके बाद शामू तो वहां से जाने लगती है, पर शैन उसे रोककर उसे सॉरी करने लगता है। और टैंग और शिन दिखाए जाते हैं जो दोनों साथ में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ तक के शिन ने तो काफी कार्ड्स इकट्ठे भी कर लिए थे। ये देखकर टैंग तो उसे किसी दे देती है, जिसके बाद तो शिन और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वो तो कहता है कि मैं और भी कार्ड्स इकट्ठे करके लेकर आऊंगा। शामू दिखाई जाती है जो चुप करके अपने मोबाइल को देखते हुए जा रही होती है, तभी उसका सामना चैन से हो जाता है, जो शैन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो भी शामू को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। शामू कहती है कि मुझे पता है पहले से ही तुम्हारे बारे में। चैन उसे कहने लगती है कि तुम्हारी और शैन की मैंने न्यूज वगैरह देखी थी, पर तुम्हें मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट या फिजिकल नहीं होता, और अगर तुम खुशी नहीं रहोगे तो तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम उसको पहले ही छोड़ दो। शामू कहने लगती है कि ये इंसान पर डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ खुश होता है, जरूरी तो नहीं है कि किसी के साथ इंटीमेट हुआ जाए, और मैं वैसे भी शैन के साथ काफी खुश हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जबकि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। शामू तो उल्टा उसे बातें सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। इतने में शैन उसके पीछे से दोबारा आ जाता है उसके पास, और शामू से देखकर उसको बताने लगती है कि अभी मुझे चैन मिली थी और उसने तुम्हारे खिलाफ काफी बातें मुझे की ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर मुझे तुम पर यकीन है इसलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो अपना लव कन्फेस उसे कर देती है। इसी के बाद शामू भी शैन को किस कर देता है। और हमें दूसरी टीम्स वगैरह दिखाई जाती है, जिनमें से एक तो अपने कार्ड्स कलेक्ट करके वापस देने के लिए आ जाते हैं कि हमने कितने कलेक्ट किए हैं। और इधर दूसरी तरफ हमें लिन दिखाया जाता है, जिसके पास हानफू का कोई भी ड्रेस नहीं था, तो उसे फोटोशूट के लिए बोलने लगते हैं कि आपके पास कोई ड्रेस नहीं है तो हम आपके लिए कहां से इतनी जल्दी ड्रेस बनवाएं। तो लिन कहने लगता है कि मैं एक फ्रेंड को जानता हूँ, आप उससे मेरे लिए एक ड्रेस बनवा सकते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एक्टिविटी का रिजल्ट अनाउंस होने का टाइम आ जाता है, तो पता लगता है कि जीतने वाले दो लोग हैं, एक मैगी और एक टैंक। इन दोनों को ही प्राइज मिलना था, पर इस प्राइज के बारे में अभी नहीं पता था कि क्या प्राइज है। इस प्राइज के बारे में शैन बताने के लिए आता और कहता है कि कार्ड्स मिलेंगे, जिस पर सभी कहने लगते हैं कि इसका क्या फायदा। पर शैन असल बात तो बाद में बताता है कि आप ग्रुप चेंज कर सकते हो, जिसे सुनते साथ ही सभी काफी खुश हो जाते हैं कि उन्हें एक चांस मिल सकता है। तो शैन भी कहने लगता है कि आप लोग इस बात पर खुश हो तो अच्छे से काम करोगे ना दोबारा से। अभी दिखाया जाता है कि शामू टैंग और शैन जो ट्रिप से वापस आ चुके थे, शामू भी अपने मॉम डैड को पिक्स वगैरह दिखा रही होती है। उसके मॉम डैड पिक्स देखने के बाद कहने लगते हैं कि हमें भी यहाँ पर आए हुए काफी टाइम हो गया, क्यों ना हम भी वापस घर पर चले। अब ये सुनते साथ ही शामू तो खुश हो जाती है शैन की तरफ देखकर, क्योंकि अभी अभी तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने थे। तो उसके मॉम डैड भी जाकर पैकिंग वगैरह करने लगते हैं, पर शामू के डैड को याद आता है कि उनकी एक चीज तो वही रहेगी, इसलिए वो बाहर चीज लेने के लिए आते हैं, पर उन्हें लिफ्ट नजर आती है, जिसे देखकर वो लिफ्ट को देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। पर जैसे
लिफ्ट के फ्लोर्स के ऊपर स्टाइल नेम पढ़ते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि बाकी चीजों के ऊपर भी यही नेम था, तो इसलिए वो उस बोर्ड को साइड पर हटाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक दूसरा रूम भी है। इसलिए वो वहाँ पर पैटर्न आने के बाद नीचे वाले फ्लोर पर आ जाते हैं और वहाँ की AI टेक्नोलॉजी को देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अभी दिखाया जाता है कि शामू के डैड शैन के ग्रैंडपा से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि ग्रैंडपा ने जिन्हें अपनी कंपनी से निकाला था उस टाइम पर वो कोई और नहीं बल्कि शामू के डैड थे। ग्रैंडपा भी काफी खुशी से उनसे मिलते और कहने लगते हैं कि मैंने उस टाइम पर गलती की थी तुम्हें निकाल कर कंपनी से, जबकि तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा था। तो वो कहने लगते हैं कि आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, पर मैं आपके ग्रैंडसन की AI लैब में गया था, वहाँ पर जाकर मैंने उसके न्यू मॉडल को भी देखा है और कुछ उसमें चीजें भी ऐड किया, मुझे लगता है कि शैन को वो काफी सही लगेगा। ग्रैंडपा भी उनके साथ काफी एंजॉय करने लगते हैं। फिर हमें शामू और शैन दिखाए जाते हैं। शैन तो शामू के लिए खाना बनाने लगता है, पर शामू कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ, पर शैन उसे कहता है कि नहीं हेल्प की जरूरत नहीं है। पर फिर उसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब मैंने स्टारलाइट के साथ खाना बनाया था तो मैंने यहाँ किचन में आकर धमाके किए थे, इस वजह से वो शामू से कह देता है कि अगर तुम हेल्प करवाना चाहती तो करवा सकती हो। और फिर जब शैन वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रहा होता है तो शामू देखती है कि उसे तो वो भी कट करना नहीं आ रहा, इसलिए वो उसको स्माइल करते देखने लगते और कहते हैं कि क्यों ना हम खाना बाहर से ऑर्डर करवा लें, जिस पर वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा पर तुम रेस्ट करो। शामू जैसी वहाँ से जाने लगती है तो उसको लिन की कॉल आ जाती है। लिन उसको बताने लगता है कि मुझे खानफू की ड्रेस की जरूरत है और तुम्हें तो वैसे ही पता है कि मेरे तो वेयर हाउस में फाइल लग चुकी थी, जिसकी वजह से तुम क्या मुझे खानफू का ड्रेस बनाकर दे सकती हो। अब ये सुनते शामू तो काफी खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि हाँ हाँ मैं बनाकर दे सकती हूँ। और कॉल कट होने के बाद ये बात शैन को भी बताती है तो शैन भी उसको कह देता है कि हाँ जाकर बना लो, तो शामू भी बनाने के लिए चली जाती है। जब वो जाती है तो पीछे से स्टार लाइट आता है जो आकर कहता है कि भाई एक मसला हुआ है। ये सुनते ही शैन उसके साथ नीचे अपनी लेबोरेटरी में आ जाता है। वहाँ पर आकर पता लगता है कि शामू के डैड आए थे, उन्होंने यहाँ इस पूरी जगह को देखा है। अब ये बात सुनकर शैन भी अपने मॉडल को देखने लगता है तो पता लगता है कि उसमें भी काफी चेंजेस आई हुई हैं, पर शैन को ये देखकर अच्छा लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि शैन शामू के पास आता है, शामू से कह रहा होता है कि अभी थोड़े टाइम के लिए रेस्ट कर लो, पर शामू इस बात को नहीं मान रही होती तो शैन भी उससे प्यार प्यार की बातें करते हुए उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रहा होता है। तभी शामू को लिन की कॉल आ जाती है। लिन की कॉल देखकर शामू जब अटेंड करती है तो लिन उसे एक और फेवर मांगने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरी वेयर हाउस में फाइल लग चुकी है, तो क्या तुम मेरी एक और हेल्प कर सकती हो, मैं तुम्हारा ही हानफू का ड्रेस अपने एक एग्जीबिशन में पहनना चाहता हूँ और वो मुझे जल्दी चाहिए होगा। तो शामू से कहती है कि सिर्फ कुछ और दिन मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें बना कर दे दूँ, तो वो इस बात के लिए मान जाता है। पर उनकी बातें सुनते हुए शैन जेलस फील कर रहा होता है, पर शामू शैन से कहने लगती है कि मैं अपना काम कम्प्लीट कर लूंगी और तुम्हें भी टाइम दूंगी। इस तरह की मीठी मीठी बातें करके शामू शैन को मना ही लेती है। इतने में वहाँ पर स्टारलाइट आ जाता है जो आकर भाई को एक काम बताता है, तो वो तो अपनी कंपनी के काम के लिए वहाँ से चला जाता है। स्टारलाइट शामू की हेल्प करने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि चैन के पास एक रिपोर्टर आता है जो उसको आकर शामू की पिक्स वगैरह दे रहा होता है, जिस पर चैन उसे कहती है कि मुझे इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर एक पल की इसकी मेरे पास पिक होनी चाहिए। और हमें टैंक दिखाया जाता है जो शिन के साथ होती है, शिन से बात कर रही होती है, पर शिन की तो नजरें कहीं और ही थी, तो उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। वो कहते हैं कि हाँ हाँ सुन रहा हूँ, जिस पर वो कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ एक मिशन है। ये कहकर उसके साथ टैंक का रोमांस स्टार्ट हो जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।